इसमें एलिमेंट पूछे हैं अगर ए इक्वल टू फाइव, फाइव क्या होता है, तो मैं आपको आई वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसमें एलिमेंट पूछे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एलिमेंट फाइंड करना टू की पावर एम होता है, अब यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं जीरो, तो टू की पावर जीरो कितना होता है वन, तो एलिमेंट कितने हैं वन, तो पी ए हैज वन एलिमेंट, वन एलिमेंट, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स आई 1.3 का क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए इसमें आपको बच्चों बहुत ध्यान से देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरवल पूछा है। अगर यहाँ रियल नंबर की जगह इंटीजर्स होते तो आप तो लिख देते -3 -2 -1 इस टाइप से, लेकिन यहाँ रियल नंबर है। तो और एक चीज़ बताऊँ आपको, दो टाइप के ब्रैकेट होते हैं, एक तो होता है ओपन ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, और दूसरा होता है क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट। ये आपको ये समझ लीजिए पहले, समझ में आया आपको, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। जैसे मैंने टू और थ्री लिया, यहाँ टू और थ्री लिया, इसका मतलब क्या है, ओपन ब्रैकेट में अगर टू और थ्री है, इसका मतलब ये है कि ना टू इंक्लूड है इसमें, ना थ्री इंक्लूड है, ना टू और ना थ्री इंक्लूड। तो क्या इंक्लूड है इसका मतलब, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9 तक इसमें इंक्लूड है, और ये ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है, मतलब टू और थ्री जिसमें ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के नंबर इंक्लूड है। और इसमें क्या है, टू और थ्री तो इंक्लूड है ही, इनके बीच वाले नंबर भी इंक्लूड है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है। तो ये हमें इंटरवल स्टाफ से लिखने हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ गया आपको, आप दिक्कत नहीं आएगी आपको। -4 इज लेस देन टू एक्स, मतलब एक्स जो है -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, मतलब -4 इंक्लूड नहीं है, -4 क्या है इसमें इंक्लूड नहीं है, बड़ा है तो इंक्लूड कर सकते, तो -4 तो लिखेंगे इसमें ओपन ब्रैकेट में, और लिखा है लेस देन और इक्वल टू 6, इक्वल टू 6 यानी 6 है, 6 है तो मतलब किसमें आएगा, क्लोज ब्रैकेट में, क्लियर हो गया। आगे सुनिए, अब देखिए -12 से बड़ा है एक्स, अब इससे बड़ा है तो ये भी क्या है इंक्लूड नहीं है, -12 भी इंक्लूड नहीं, तो किसमें लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट में, और इसमें भी लिखा है क्या लेस देन -10, ये भी इंक्लूड नहीं 10, तो -10 भी किसमें लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट में, -12 -10, क्लियर हो गया। अब 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स, अब इक्वल टू आ गया, इट मीन्स ये किसमें इंक्लूड है, इट मीन्स किसमें आएगा, क्लोज ब्रैकेट में 0, और 7 7 से छोटा है, तो इसका मतलब 7 किसमें आएगा, छोटा है तो ओपन ब्रैकेट में, क्लियर। अब 3 लेस देन इक्वल टू 4, इट मीन्स 3 किसमें आएगा, क्लोज ब्रैकेट में, और 4 लिखा इक्वल इसमें भी, तो 4 भी किसमें आएगा, क्लोज ब्रैकेट में, क्लियर। ये आपका हो गया इंटरवल, दैट्स इट। आई सो 3, अब देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, किसको लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसमें क्या करना है, आपको इंटरवल दे रखे हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ओपन ब्रैकेट दे रखे हैं, क्लोज ब्रैकेट दे रखे हैं, -3, 0 दोनों ही कैसे है, ओपन में है, इट मीन्स क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -3 फिर लेस देन एक्स फिर लेस देन 0, क्यों, ना ये इंक्लूड है ना ये इंक्लूड है, इट मीन्स एक्स लिखेंगे, एक्स सच देट एक्स बिलोंग्स टू क्या, रेशनल नंबर, रियल नंबर, और -3 लेस देन 0 एक्स और लेस देन 0, क्लियर। ये क्या है, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, ओपन है, ओपन में मतलब इंक्लूड नहीं है, समझ में आ गया। अब जैसे ये क्या है, 6 12 दोनों क्लोज ब्रैकेट में, ये दोनों इंक्लूड है, दो कितने कहते हैं, -6 और लेस देन और इक्वल टू 6 सॉरी एक्स और लेस देन इक्वल टू 12 हो गया, क्लियर हो गया। एक्स दैट एक्स आर रियल नंबर, -6 लेस देन इक्वल टू एक्स, अब इसमें प्लस कर रहा, अब दूसरा अगला है 6 12 नंबर वही है, लेकिन 6 ओपन है और 12 क्लोज है, समझ रहे हैं आप इसका मतलब, मतलब ये जो 6 है ओपन, मतलब 6 इनक्लूड नहीं है, तो 6 लेस देन टू एक्स, क्लियर, और 12 क्या क्लोज्ड, यानी लेस देन इक्वल टू कितना,
12, क्लियर हो गया। अब माइनस 23 किसमें है, क्लोज्ड, क्योंकि क्लोज्ड में तो मतलब माइनस 23 लेस देन और इक्वल टू क्या x, और ये क्या 5 किसमें ओपन में, इट मीन्स क्या आएगा इसमें लेस देन 5, क्लियर, क्योंकि इंक्लूड नहीं है, हो गया।